महाराष्ट्र के बीड जिले के माजल गांव परिक्षेत्र में जनसंख्या के आधार पर नियम अनुसार उचित संख्या में पुलिस कर्मियों को नियुक्त करने और सरकारी नियम अनुसार किसी भी पुलिसकर्मी को 8 घंटे से अधिक कार्य करने की जरूरत नहीं पड़ने की अहम मांग को लेकर स्थानीय लोगों ने शीर्षासन आंदोलन कर प्रशासन का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करने का प्रयास किया। बीड जिले के माजल गांव में स्थित सिंधफणा नदी के पुल पर स्थानीय सामाजिक कार्यकर्ता राम कोरडे के नेतृत्व में ग्रामीणों ने यह आंदोलन किया है। उन्होंने मांग की है कि ग्रामीण इलाकों में कानून और व्यवस्था को मजबूत बनाए रखने के लिए जनसंख्या के आधार पर पुलिस कर्मियों की नियुक्ति करना आवश्यक है। साथ ही हर पुलिस को नियम अनुसार 8 घंटे ही ड्यूटी मिलनी चाहिए, उससे अधिक कार्य किसी भी पुलिस कर्मी द्वारा न कराया जाए। पुलिस कर्मियों का काम और उनका बढ़ता तनाव का काम का प्रेशर इतना रहता है कि उनको काम करने में बहुत सारी दिक्कतें आती है, उनको बहुत सारे समस्याओं का सामना करना पड़ता है। इसी वजह से आज ये इनका तनाव कम होना चाहिए, इसी वजह से आज माजलगांव शहर के सिंधफणा पुल पर इस सड़क पर कुछ सामाजिक कार्यकर्ताओं ने शीर्षासन आंदोलन किया है। ये आंदोलन की मांग ऐसी है कि इस क्षेत्र के जो भी पुलिस कर्मियों की संख्या है यहाँ की बढ़नी चाहिए, उनकी ड्यूटी के भी घंटे कम कर दिए जाए, उनको जो तनाव है मुक्ति मिलनी चाहिए, उनका काम हल्का होना चाहिए, उनको काम करने में कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। इसी सभी मांगों को लेकर आज सामाजिक कार्यकर्ता ने शीर्ष आंदोलन इस माजलगांव के सिंधफणा नदी के पुल पर इस सड़क पर किया गया है। और इस आंदोलन चलते समय बहुत सारी यहां पर ट्रैफिक भी जाम हो चुकी थी। नेटवर्क 10 के लिए राजरतन डोंगरे बीड़।